अस्सलामुअलैकुम, याज ब्लॉग से मैं हूँ यासिर अली। आज ब्लॉग स्टार्ट करते हैं हम रोड पर से, और रोड पे ब्लॉग स्टार्ट करने का मतलब इसलिए कि 2-3 दिन हो गए वीडियो नहीं आई। उसका वजह ये थी कि मैं बहुत बीमार था, बीमार अभी भी, दवाइयाँ लेके आया हूँ, ये देख सकते हैं दवाइयाँ खाएंगी। अभी हॉस्पिटल से चेक करवाया अपने आप को, और डॉक्टर ने दवाई दी है रेस का खाए। जो खुदादाद कॉलोनी के पास है नसीब बिरयानी, उसकी बिरयानी खाई, लेकिन बिल्कुल बेकार टेस्ट, आधी बचा दी बिरयानी। अब घर जा रहे हैं, भूख लगेगी तो घर से ही कुछ खाएंगे, थोड़ा बहुत खाना। समझ रहे हो? से छुट्टी हो गई आपकी? हाँ, गई। कहाँ चल रहे हैं आप? मुझे गाय को प्यार करना है पापा, पहले इस गाय को प्यार करो, चलो जाओ। मारने वाली तो नहीं है गाय? नहीं मारती, बिल्कुल भी नहीं मारती। चलो जाओ, समझ प्यार करो उसको। नहीं मारती, जाओ जल्दी जाओ, डर क्यों रहे? करो करो करो। कैसा लगा मेरा मजाक? नहीं डराया, जाओ प्यार करो। ये कितने के लिए गए? 5.5 भैया, 5.5 लाख की जोड़ी है ये, और बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह से। चलो भैया अब चलते हैं। गाइस अभी शाम में समद को ट्यूशन लेके और गया था पंखे का कवर लेने के लिए कॉर्पोरेट मार्केट। वह बाइक खड़ी करी और वापस ही आया तो बाइक ट्रैफिक पुलिस वाले उठा के लेके चले गए। मजा आया। अब कॉर्पोरेट मार्केट से रेडी थाने जा रहे हैं बाइक को लेने के लिए। समर मेरे साथ है। और अब बाइक लेंगे यहाँ से, लाजमी आते हैं, जुर्माना भी देना पड़ेगा। जुर्माना जब बिल्कुल साइड पर बाइक खड़ी की थी, पार्किंग की जगह थी, और वहाँ ट्रैफिक का कोई रश वगैरह इतना नहीं था, लेकिन फिर भी मेरी बाइक लेके चले गए। हाँ समझ, कितनी दूर से आ रहे हो आप पैदल? वो पूछ रहा है कहाँ मिलेंगे। भाई थाने में मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे, उनको पैसे देने पड़ेंगे, बगैर पैसों के तो गाड़ी छोड़ेंगे नहीं। तो चलो देखते हैं कितने पैसे लेते हैं और फिर अपनी गाड़ी लेते हैं, फिर घर जाएंगे। 50 रुपये का पंखे का कवर लेना था, उसके खातिर अभी हमें 200-250 रुपये देने पड़ेंगे। ये बहुत गलत बात है, ये ज्यादती है। क्या क्या बोला तूने? पहले क्या बोला? चल। तो गाइस बाइक हमने ले ली है और हम आगे हैं वहाँ से निकल के। ये फैन का एक पीस लेना था 50 रुपये का, लेकिन इसके पीछे हमारी बाइक उठा ली और बहुत ख्वार हुए। समर क्या हुआ है आज? आज बहुत ख्वार हुए हैं और बाइक हमें उठा ली। ये जो है वो चलान पे करके हैं, 200 रुपये का चलान भी देना पड़ा। ये पंखे का फैन बहुत हमें भारी पड़ गया। और मज़े की बात आपको बताऊं, हम चले गए ट्रेडी और उन्होंने बताया कि यहाँ बाइक नहीं है, अल्ट्री मैदान में होगी, तो वहाँ हमें बाइक सर्विस भी दी है। कहा कि रिक्शे में जाएंगे तो 200 लगेंगे, हम बाइक पे आपको दूसरे थाने छोड़ देते हैं, तो 100 रुपये दे देना। 150 मांग रहा था, 100 रुपये में हमने बात की, वो हमें बाइक पे लेके गया आराम से, और फिर हमें वहाँ से बाइक ले। चलो चलते हैं अब घर पर। तो भाई घर आ चुके हैं और मामूल के मुताबिक लाइट गई हुई है यहाँ पर, मोहल्ले में गायें आना शुरू हो गई है, गायें भी अंधेरे में लोड शेडिंग का शिकार और हम भी इसका शिकार। हमारे साथ हमारे दोस्त खड़े हुए हैं तैमूर। हाय गाइस, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? भाई इतना ही चेहरा नज़र आएगा लाइट में, लाइट आएगी तो फिर आपको दिखाएंगे। तो भैया बहुत रिलैक्स मिलता है बॉडी मसाज कराने से, फुल बॉडी की मसाज हम करवा रहे हैं और काफ़ी जिसम की सारी थकान उतर जाती है।
तो आज पूरी जो दो तीन दिन से बीमार थे उसकी थकन उतारने आए, तो आपको दिखा भी रहे हैं मसाज कैसे होता है। बिल्कुल कायद अजम बाज़ार के सामने। तो भैया बॉडी मसाज हमने करवा लिया है और बिल्कुल फ्रेश हो गया जिसम में, जो थकावट दर्द था सुस्ती थी वो सब बिल्कुल फ्रेश हो गया है। अब आ रही है शदीद नींद, घर जाके आराम करेंगे और सुबह उठेंगे फ्रेश। तो वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।